हेलो दोस्तों, कुछ टाइम पहले की बात है। 29 साल के अंकित अपने रूम में एसी चला के सो रहे थे। सुबह के 4 बजे अचानक उनके सीने में दर्द उठा। दर्द इतना ज्यादा था कि सारी नींद ही टूट गई और वो पसीने से तरबतर हो गए। घर में अकेले होने के कारण उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई भी नहीं था, फिर भी अंकित ने अपने सीने के दर्द को सहन किया। घंटे भर में दर्द कम हुआ तो फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अगले दिन अंकित चलने फिरने से लेकर रोज के काम में भी उन्हें दिक्कत आने लगी, इसलिए अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर अंकित को जो पता चला उसे सुनकर वो हैरान रह गए। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। उसी के साथ जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। जब डॉक्टर ने अंकित को बताया कि कल जो उनको दर्द हुआ था वो एक तरह का हार्ट अटैक था, अंकित के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पाए कि इतनी कम उम्र में भी हार्ट अटैक कैसे आ गया। रिसर्च के अनुसार भारत में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये नौजवानों को ही हो रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले दिल की बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को ही होती थी। डॉक्टर के मुताबिक ये सब हमारे नए जमाने की कार्यशैली की वजह से हो रहा है, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है। और उनके अनुसार ये 5 कारण हमारी लाइफस्टाइल को बुरे तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है जीवन में तनाव, दूसरा है खाने पीने की गलत आदत, तीसरा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर देर रात तक काम करना, चौथा कारण है स्मोकिंग, तंबाकू, शराब पीने की लत, और पांचवा और सबसे बड़ा कारण पर्यावरण का प्रदूषण। अंकित ने अपने मुंह से खुद कबूल किया कि वो 22 साल की उम्र से सिगरेट पिया करते थे। 29 साल के होते होते वो चेन स्मोकर बन गए, लेकिन हार्ट अटैक आने के बाद अब उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। लेकिन दिल की बीमारी के लिए उन्हें आज भी 3 दवाइयां रोज खानी पड़ती हैं। पढ़ने की उम्र में बच्चों में तनाव आना आम बात है। छात्रों के जीवन में खाने का गलत समय और पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का घंटों तक इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। डॉक्टरों के अकॉर्डिंग हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीना जोर से जकड़ लेता है, इसके बाद वो दर्द से कर्राहता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन असल में क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, जब दिल तक खून पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है तब दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से दिल तक खून नहीं पहुंच पाता, इसीलिए दिल में दर्द होता है। लेकिन कभी कभी ये दर्द नहीं भी होता है, इसे साइलेंट हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये हार्ट अटैक ज्यादातर महिलाओं को होता है। ये हार्ट अटैक सिर्फ उन महिलाओं को ज्यादा होते हैं जो स्मोकिंग और गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन लंबे समय से करती रहती हैं। तो इससे प्राकृतिक रूप से उनकी हार्ट अटैक से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है, लेकिन कैसे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं? सबसे पहले तो युवाओं को उनकी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। डॉक्टरों के मुताबिक योग से ये सब रोका जा सकता है। योग करने से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, ये सबसे कारगर तरीका है। जंक फूड का उपयोग नहीं होना चाहिए, असल में जंक फूड पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके साथ साथ ही हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, तो एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादा ऑयली चीजों का इस्तेमाल ना करें,
और जितना हो सके तनाव से दूर रहें। ऐसा करने से हम हार्ट अटैक से कुछ हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और साथ ही जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें। नमस्कार।